जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टुडेज लेसन इज 2.4 लेट्स मार्च। ये जो लेसन है इसका मैं सेकंड पार्ट आज ले वाला हूँ। आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा तो उसके बारे में आज हम सेकंड पार्ट जो है उसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, थोड़ा सा फिर से मैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, जो ये इसके यू नो ये जो लेसन है ये एक स्पीच है उन्होंने दिया था ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नोबेल प्राइज व्हेन ही वाज रिसीविंग, उस समय की ये उनका स्पीच है। थोड़ा सा कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में देखते हैं, जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी 1954, इनका जन्म 1954 में हुआ था। इज एन इंडियन चिल्ड्रन राइट्स एंड एजुकेशन एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये एक एडवोकेट है भारतीय मूल के, भारत में इनका जन्म हुआ था 1954 में। और इन्होंने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए और जो बाल मजदूर होते हैं उनके लिए एक एनजीओ बनाकर, उनका नाम है एनजीओ का बचपन बचाओ आंदोलन, ऐसा एक आंदोलन छेड़ दिया। और उस आंदोलन के द्वारा वो दुनिया भर के, ना केवल भारतीय बच्चों को तो दुनिया भर के बच्चों को भी इससे एक मेन प्रवाह में लाने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे जल्दी बचपन में ही उनको काम वाम करने के लिए छोड़ दिया जाता है या काम करने के लिए लगा दिया जाता है ऐसा। तो ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन ये जो संगठन बनाया था उसकी शुरुआत उन्होंने की थी 1980 से। एंड हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रेन अक्रॉस 140 कंट्रीज। और इनका काम पूरी दुनिया में 144 देशों में चलता है। और आज तक के इन्होंने 83,000 तक के बच्चों को ऐसे काम से मुक्त किया है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों को बचपन में ही उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, ना कि उनको काम पर लगाया जाए। तो इस तरह से आपने फर्स्ट भी इस तरह होगा, पूरा सा इसका मैंने रिकैप किया है। देखते हैं सेकंड पे बेटे। देखो ये यहाँ पर शांति सम्मान उनको मिला था नोबेल प्राइज 2014 में, ठीक है 2014 शांति का नोबेल प्राइज इनको मिला था। तब जाके हमारे देश में ये 1980 से काम कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों में हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को मालूम ही नहीं था कि कौन है। बाद में जब 2014 में एकदम से ये लाइट में आ गए, सामने आ गए, शांति सम्मान इनको मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेसन, लेट्स मार्च। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा पहले पार्ट में, अब इसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू पार्ट टू लेट्स मार्च का। वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो ये एक भाषण है तो भाषण की तरह ही यहाँ पर आगे देखेंगे। यू मे आस्क दैट, तो ये आप पूछ सकते हैं कि हम कैसा करेंगे ये, यानी कौन सा दुनिया के उन बच्चों को एक मेन प्रवाह, मेन धारा में लाने का काम हम कैसा करेंगे, जो बच्चे पीछे छूट गए गरीबी की वजह से, क्या उनके फैमिली की वजह से, या समाज की वजह से, या सरकार की वजह से, सरकार की वजह से कैसे कि वह पहुंच नहीं पाई वहां तक के, इस वजह से उन बच्चों को, यानी हम कर सकते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। व्हाट कैन वन पर्सन डू, तो हमारा प्रश्न हो सकता है तो अकेला एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो आपको मालूम होगा चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी जो होती है बड़ा काम जो होता है एक व्यक्ति से ही शुरू होता है, एकदम से बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, ये भी बात हमको ध्यान लेना है। कोई तो भी कोई व्यक्ति, कोई किसी व्यक्ति के मन में आता है विचार और वो धीरे धीरे चालू करता है, फिर लोग जुड़ते जाते हैं और आगे सब एक बहुत बड़ा एक कारवा बनता है। इस तरह से आपके मन में प्रश्न आएगा कि आप ये अकेला व्यक्ति कैसे करेगा। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, इसलिए कैलाश सत्यार्थी जी यहाँ पर एक
स्टोरी बताते हैं जो उनके बचपन में उन्होंने सुनी थी, उनको याद आती है, वो बोलते हैं कि मैंने एक बचपन में स्टोरी सुनी थी, वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो क्या होता है, A heavy fire had broken out in the forest. Heavy fire का मतलब बहुत बड़ी आग लगना रात में जंगल में। तो जंगल में जो अगर आग लग गई तो आपने देखा होगा, आपको ध्यान होगा कि वो किस तरह से फैलते जाती है, उसके सामने सब बौने साबित होते हैं और वो आग फैलते जाती है। तो एक समय ऐसे ही ये स्टोरी वो बता रहे उनके बचपन की कि जंगल में आग लगी रहती है और ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे, द एनिमल्स ऑफ द जंगल वेयर रनिंग अवे, जंगल के जो प्राणी थे सभी वो भाग रहे थे इधर उधर, इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। कौन उसमें शामिल था? लायन में शामिल था। Who was the king of the forest? जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं, शेर, लायन को। तो उस जो आग लगी थी उसमें वो भाग रहा था। And suddenly, then he saw a tiny bird rushing toward the fire. When the lion was running from the fire, suddenly he saw, means lion saw a tiny bird, tiny यानी छोटा, छोटा सा एक पक्षी, rushing toward the fire, वो आग की तरफ जा रहा था, एक छोटा सा पक्षी। He asked the bird, उस लायन ने उस पक्षी को पूछा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो, अरे उधर आग लगी है और सब प्राणी सब पक्षी सब भाग रहे हैं, And you are going there. तो इस तरह से he asked the bird, What are you doing? तुम क्या करने जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? To the lion surprise. और lion surprise हुआ, the bird's reply. Bird ने जब reply किया तो lion surprise हुआ, उसको वो आश्चर्यचकित हो गया। तो bird ने क्या reply दिया, देखो, I am going to extinguish the fire. Extinguish का मतलब होता है आग बुझाना। आपको मालूम होगा आपके स्कूल में बहुत सारे ऑफिसेस में वो फायर एक्सटिंग्यूशर रहते हैं, वो लाल कलर के, हाँ, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं ना छोटे वाले, दैट इज एक्सटिंग्यूअर यानी आग बुझाने वाले यंत्र। तो वो पक्षी का उत्तर होता है, द बर्ड रिप्लाई दैट आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्यूश द फायर, मैं आग बुझाने जा रही। द लायन लॉफ्ड एट सेड एंड सेड, लायन उसके ऊपर हंसने लगा पक्षी के ऊपर, ये इतना सा पक्षी और ये इतनी बड़ी आग को बुझाने जाएगा, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, और तुम ये कैसे कर सकते हो, वो लायन पूछ रहा है पक्षी को, और तुम ये कैसे करोगे, एक छोटे से चोच में, बीक यानी चोच, अपने मुंह में एक बूंद का पानी लेकर, और तुमको लगता है कि तुम इतनी बड़ी आग बुझा दोगे। इसलिए लायन उसके ऊपर हंसने लगा। द बर्ड वॉज एडम्प्ट एंड ही सेड आई एम डूइंग माय बिट, और ये अपने निर्णय के ऊपर वो पक्षी अड़ा रहा, एडम्प्ट का मतलब अड़िग रहना, हाँ, सांस नहीं खोना, और एंड ही सेड आई एम डूइंग माय बिट, और मैं अपना एक छोटा सा एक तुच्छ योगदान यहाँ पर देना चाहती हूँ, दूंगी, ऐसा उस पक्षी ने कहा। कि क्या कहा, कि मैं अपना छोटा सा योगदान इसमें दूंगा। तो ऐसा ही होता है आजू बाजू में, हम देखते हैं जब हम इधर उधर देखेंगे तो हमको कुछ काम हम चालू किए तो लोग हमारे ऊपर हंसना ताना मारना चालू कर देते, यार ये तेरे बस की बात नहीं है, तेरे ये नहीं होगा, हाँ तो तू क्यों कर रहा है, तो ये इस तरह से बहुत सारे लोग बोलेंगे हंसेंगे, मगर अपने को अपना एक छोटा सा योगदान से काम चालू करने का है, क्या पता वो आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वो पक्षी बोलता है कि मैं तो अपना छोटा सा योगदान यहाँ पर दूंगा आग बुझाने के लिए, ये भी एक बात है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं, 18 years ago, millions of individuals marched across the globe. 18 साल पहले वो भाषण के इसमें बोल रहे कैलाश सत्यार्थी जी कि millions of individuals, लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने मार्च किया, यानी एक मुहिम चलाई, आंदोलन छेड़ा, तो ग्लोब पूरे विश्व में, एंड डिमांडेड
न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एब्लिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। और उन्होंने ये चाइल्ड लेबर जो है, जो बाल मजदूरी है, उसके खिलाफ, एब्लिशन का मतलब उसको जो बहुत ही ये है, बेकार है, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, हाँ, तो ऐसे कानून, इसके खिलाफ एक कानून बनाने के लिए पूरे विश्व में लोगों ने, लाखों लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। एंड इट हैज हैपेंड, और उसके बाद वह बना, कानून बना दिया गया पूरे विश्व में कि बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को या जो बच्चे हैं, उनको कोई भी काम पर नहीं रखेगा। इस तरह से उन लोगों को यहाँ पर सफलता मिली। We did it, millions of individuals did it। तो इस तरह से ऐसे लाखों लोगों ने ये काम किया, लाखों लोग साथ में आए और उन्होंने ये सब करके दिखाया, ताकि उन बच्चों को, जो बच्चे बाल मजदूरी के रूप में काम करते हैं, बचपन, उनका बचपन छीन जाता है, और जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, पढ़ाई करने की है, वो काम पर जाते हैं, उन बच्चों के लिए इन्होंने एक काम करवा दिया। बहुत से देशों ने और दुनिया के सभी देशों ने ये सब काम मिलकर किया। इस तरह से आज हमारे देश में भी हम देखते हैं 14 साल तक के बच्चे को एक काम करना मना है। आप बहुत सारे लोग देखते होंगे दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कि यहाँ पर कोई बाल मजदूर नहीं है, ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, है ना। और उसके बाद 2009 में, 2009, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे के लिए एक कानून पारित कर दिया भारत सरकार ने, कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। आगे देखते हैं, फ्रेंड्स, वी लिव इन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। वो बोलते हैं, मित्रों, दोस्तों, हम दुनिया के रैपिड ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। रैपिड यानी तेज, बहुत गति, तेज गति से। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इस तेज गति से वैश्वीकरण होने वाले समय में जी रहे हैं, आज हम देख रहे हैं। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम आज एक हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं, तो एक हर दिन तो चलता है हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से आज हम जुड़े। सब लोग अपने अपने घरों में बैठ के यहाँ पर अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ कर रखे हैं और जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, वी एक्सेस आवर गुड्स एंड सर्विस इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। और इस तरह से हम दुनिया की किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से अपना सामान एक्सचेंज कर सकते हैं, अदला बदल कर सकते हैं या बेच सकते हैं, गुड्स एंड सामान, माल एंड सर्विस, सेवाएं दे सकते हैं। तो ये सब काम कौन कर रहा है? एक इंटरनेट कर रहा है। और ये किसकी बदौलत साबित हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी वैश्वीकरण की वजह से। तो इस तरह से एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के भी अपना माल बेच सकता है। ये लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। Thousands of every day connects us from one corner to other, another corner of the globe. There are so many flights every day fly in the sky, and they connect all the world, one corner to another corner, east to south, east to west, and north to south. इस तरह से दुनिया के एक कोने से कोई भी व्यक्ति फ्लाइट पकड़ के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तो ये सब कनेक्टिविटी है, कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। कनेक्ट होने की वजह से आज ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। बट देर इज वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देर इज अ लैक ऑफ कॉम्पैशन। और ये सब होने के बावजूद, आगे बोलते हैं सत्यार्थ जी, कि इतना सब होने के बावजूद आज हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, फ्लाइट्स के माध्यम से जुड़े हैं, टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हैं, टीवी के माध्यम से जुड़े हैं, मगर इसमें एक डिसकनेक्ट है, डिसकनेक्शन है, बीच में गैप है। कौन सी गैप है? एंड देर इज अ लैक ऑफ कॉम्पैशन। लैक का मतलब होता है कम होना, कमी होना। और इसके अंदर ये सब है, मगर वहां पर तो कुछ तो भी कमी है, और वो कमी है
कंपैशन की। कंपैशन के मतलब होता है करुणा दया, दूसरे के प्रति करुणा और दया। लेटस इनकलकेट, इनकलकेट करना, डेवलप करना, विकसित करना। देखो लोग आज अगर जुड़े हैं, सब अपने अपने जीवन के लिए भागम भाग में लगे हैं, सब अपना अपना काम कर रहा है, इंटरनेट एक कोने से दूसरे कोने में दुनिया से हम बात कर रहे हैं, मगर हमको पता ही नहीं रहता आजू बाजू में क्या हो रहा है। हमारे आजू बाजू के लोगों के प्रति हमारे अंदर कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है, इस बात की लोगों के अंदर कमी होती जा रही, ये बहुत चिंता का विषय है। लेट अस इनकलकेट, चलो इनकलकेट करते हैं। इनकलकेट करना यानी विकसित, विकसित करना, डेवलप करना, बढ़ाना, एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। इससे हम क्या करेंगे, चलो इसको इनकलकेट करते हैं। ये जो कंपैशन है हमारे अंदर आना चाहिए, हर एक के अंदर जो है उसके अंदर आना चाहिए, और इस कंपैशन को वी हैव टू ग्लोबलाइजेशन, और इस कंपैशन को हम पूरे विश्व के कंपैशन में बदल देंगे। पूरे विश्व के लोग ऐसा ही सोचे, अगर पूरे विश्व के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे समाज के लोग, एक गांव, एक व्यक्ति इस तरह से अगर सोचता है, तो ये जो अच्छी बात है समाज के लिए, देश के लिए, तो ये तैयार हो जाएगी या बनेगी। अगर ये हमारे अंदर नहीं है दूसरे के प्रति करुणा, हम बहुत सारे अभी आजकल न्यूज चैनलों पर देखते हैं, इसको ये किया, उसको वो किया, बहुत सारे उल्टे सीधे खबरें आती है, न्यूज आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चीज है लोगों के अंदर दूसरे के प्रति घृणा और हीन भावना, तो वो चाहे वो अलग अलग इसी वजह से हो, ये सब बढ़ते जा रहा है और लोगों के अंदर का कंपैशन कम होते जा रहा है। इसको हमको इनकलकेट करने का है, इसको हमको बढ़ाने का है, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद। देखो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमको एक दुनिया को अगर सिखाना है शांति का पाठ, हमको दुनिया में शांति लाने का है, तो हमको कहां से शुरू करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू बिगिन विद, हमको शुरू करना पड़ेगा कहां से, देखो द चिल्ड्रन, बच्चों से। महात्मा गांधी ये कहते थे, उन्होंने जो अहिंसा के मार्ग से देश को आजादी दिलाई, इतना बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एग्जाम्पल है कि बंदूक के सामने एक लाठी लेकर एक साधारण व्यक्ति, साधारण से दिखने वाले व्यक्ति, साधारण दिखने के बावजूद वो असाधारण थे, मगर उनके पास में एक हथियार था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का। तो वो बोल रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया को हमको शांति का पाठ पढ़ाना है, तो हमको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, बच्चों से करनी पड़ेगी, जो आज के बच्चे हैं, क्योंकि टुडे चिल्ड्रन आर टुमारो सिटीजन। तो आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक है, वही देश चलाएंगे, समाज चलाएंगे, तो उनसे शुरू होनी चाहिए ये सब बातें। आई हम्बली एड, कैलाश सत्यार्थी जी आगे बोल रहे हैं, आई हम्बली एड लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन, कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ में यहां पर जोड़ना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि चलो लेट अस यूनाइट, चलो एक हो जाते हैं पूरी दुनिया में थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। पूरी दुनिया के लोग इस कंपैशन के माध्यम से, सबके अंदर अगर दया करुणा भाव सेवा भाव है, तो ये सब लोग अगर एक साथ आ जाएंगे, तो किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, फॉर आवर चिल्ड्रन, कम से कम इन बच्चों के लिए तो भी आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आज से हम दिखाएंगे कि ये दुश्मन है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा, तो वो बच्चे वैसा ही सीखेंगे, और वो एक अच्छे नागरिक बनने के बजाय एक बेकार के या बुरे नागरिक बन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हूज चिल्ड्रन आर दे हु टीच फुटबॉल एट नेवर प्लेड विथ वन। आगे बोलते हैं सत्यता जी, मैं पूछना चाहता हूं, हूज चिल्ड्रन, वो किसके बच्चे हैं, हूज चिल्ड्रन आर दे
हु स्टिच फुटबॉल, जो खिलाई करते हैं, एट नेवर प्लेड विथ वन, मगर उनको कभी फुटबॉल खेलने को नहीं मिलता, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे। सही बात है ये, जो बच्चे काम करते हैं, जो चीजें बनाते हैं, जीवन में कभी कभार उनको वो चीज खेलने के लिए नहीं मिलती। Who children are they who harvest cocoa and have never tasted chocolate? आपको मालूम होगा था जो चॉकलेट जो बनाते हैं कोको किससे बनती है, कोको पाउडर से, और कोको पेड़ में लगती है, वैसे बीज होते हैं। उस कोको वो पूछते हैं कि वो ऐसे कौन किसके बच्चे हैं जो कोको की फसल तो उगाते हैं मगर उनको चॉकलेट खाने को नहीं मिलता, चॉकलेट उनको नसीब नहीं होता। Whose children are they who are dying for of Ebola? और वो किसके बच्चे थे जो इबोला से, वो साउथ अफ्रीका में मर रहे थे, इबोला जो वायरस आया था उससे, तो वो किसके बच्चे है? ऐसा उनका सवाल है कि ये बच्चे ही एक किसी समाज के, किसी व्यक्ति के तो है ही, फिर समाज के हैं, किसी देश के हैं। तो एक अगर हम ग्लोबल सिटीजन देख रहे हैं, पूरे विश्व को अगर समझ रहे हैं, तो ये पूरे विश्व के या वैश्वीकरण ये जो देश है उसके बच्चे हैं, ना एक वो व्यक्ति के बच्चे हैं। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल देखें तो आज तो हम अपने माँ बाप के तो बच्चे हो ही आप लोग, मगर उसके अलावा आप इस देश की संपत्ति हो, इस समाज की संपत्ति हो। इस तरह से वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे अगर कोको उगा सकते हैं, उनकी फसल उगा सकते हैं, मगर उनको चॉकलेट खाने को नहीं मिलता है, जो बच्चे हैं एबोला से मरे जा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे फुटबॉल बनाते हैं फैक्ट्री में, उसकी सिलाई करते हैं, स्टिच करना यानी सिलाई करना, मगर उनको फुटबॉल खेलने को नहीं मिलता है, तो ये ऐसे कौन से बच्चे हैं समाज के, तो इनके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. और अंत में वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं जिनको किडनैप किया जाता है और होस्टेज बना के रखा दिया जाता है। होस्टेज का मतलब बंदी बना के रख दिया जाता है ताकि वो उनको उनसे मजदूरी करवाया जाए और उनसे काम करवाया जाए, ऐसे बच्चे। तो दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, और ये बोलते हैं वो हमारे बच्चे हैं, हम सभी के बच्चे हैं इस दुनिया के। आई रिमेम्बर an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. उनको एक वहां पर वो घटना उनके साथ उन्होंने किया था उसके बारे में वो बता रहे हैं। आई रिमेम्बर, मुझे याद आ रही है, एक 8-year-old girl, 8 साल की एक बच्ची, we rescued from, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया ने वहां से निकाला, बचा कर निकाला, इंटरजनरेशनल यानी परंपरागत तरीके से, इंटरजनरेशनल जनरेशन का मतलब होता है परंपरागत तरीके से या पीढ़ी पीढ़ी, फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन कैरीज, यानी स्टोन कैरीज का मतलब जो पत्थरों की खदान होती है ना, पत्थर निकालते वो खदाने होती है, वहां पर काम करते थे। उस बच्ची का परिवार भी वहीं पर काम करता था, उनके पहले के भी परिवार करते थे, वो एकदम यानी इंटरजनरेशनल का मतलब परंपरागत तरीके से उसी खदान में वो काम करती थी, और ये 8 साल की बच्ची भी उसी में काम करती थी। और वो बच्ची को कैलाश सत्यार्थी जी और उनकी टीम ने, जो उनका एनजीओ हो, उन्होंने उसको मुक्त किया। When she was sitting in my car right after her rescue, आगे बताते हैं कि जब वो उनके कार में बैठी, जब उसको छुड़ाया गया वहां से, उनको निकाला गया उस बच्ची को, he asked me, वो इनको पूछती है कि why did you not come earlier, तुम पहले क्यों नहीं आए, आप पहले क्यों नहीं आए, अगर आप पहले आते तो मुझे कम से कम इतने साल तो भी काम नहीं करना पड़ता, यानी वो जो छोटी रही होगी तभी से वो काम करती होगी। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, दिखने में लगता है कि छोटा, मगर उस बच्ची के हिसाब से उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, है ना, इस तरह से वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक मी,
का मतलब होता है, ये यहाँ पर दिया कि उसका जो क्वेश्चन था व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, इस क्वेश्चन ने कैलाश सत्यार्थी जी को पूरा पूरे तरीके से झिंझोड़ के रख दिया, हिलाकर रख दिया. एंड हैज द पावर टू से शेक द होल वर्ल्ड, और इस क्वेश्चन में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने की, आंदोलित कर देने की क्षमता है. हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, और उसका ये जो क्वेश्चन था ये हम सभी के लिए है, ना केवल मेरे लिए, आज के सरकारों के लिए, सभी के लिए है. व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, और हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसकी राह देख रहे हैं, कौन से समय की राह देख रहे हैं. हाउ मेनी गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, और ऐसे कितने बच्चियों को हम विदाउट रेस्क्यू ऐसे ही छोड़ सकते हैं. ऐसे बहुत सारी बच्चियां होगी जो बाल मजदूरी में अटकी होगी, फंसी होगी, जिनको बंदी बना लिया होगा. ऐसे दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं. तो ऐसे सवाल पूछ रहे उस हॉल में बैठे हुए सभी लोग, और वहां हॉल में देखो बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दुनिया के लिए, समाज के लिए, देशों के सरकारों के लिए, और हम सब के लिए भी, कि ऐसे आजू बाजू में हमारे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए. तो ये एक क्वेश्चन था. तो वो बोल रहे कि इसने पूरा मुझे तो हिला कर रख दिया, झिझोड़ कर रख दिया. वैसे पूरी दुनिया में दुनिया को हिलाने की क्षमता ये क्वेश्चन रखता है. देखो, चिल्ड्रंस आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शन. आगे बोलते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं इस दुनिया के, समाज के, दे आर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करते हैं, दे आर क्वेश्चनिंग आर इनएक्शन, हमारी निष्क्रियता. इनएक्शन का मतलब यहाँ पर निष्क्रियता, हम जो कुछ नहीं करते, समाज उनके लिए कुछ नहीं करता है, उसके तरफ देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं. एंड वॉचिंग आवर एक्शन, और हमारे एक्शन को, हमारी कृति को, हमारी क्रिया को वो देखते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं. वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. हमको क्या है, एक जरूरत है अभी पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को, कि कलेक्टिव एक्शन, एक साथ आने की, इकट्ठा होने की, और एक ऐसा काम करने की बच्चों के लिए विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक बहुत ही जरूरी काम के तौर पर इसको देखें. ऐसा सोचे कि ये बच्चों के लिए या बच्चों को उनके भविष्य के लिए हमको कुछ करना है, ये बहुत अर्जेंट काम, अर्जेंसी काम है, ऐसा मान के हमको आगे देखना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीजें बदलेगी. एंड एवरी सिंगल मिनट मैटर, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स. और हमको ध्यान भी रखने का है, एवरी सिंगल मिनट, हर एक मिनट मायने रखता है, मैटर यानी मायने रखना. एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर एक मिनट जैसा महत्वपूर्ण होता है, हर एक पल का जैसा हिसाब होता है, वैसे हर एक बच्चे का भी एक, हर एक बच्चा मायने रखता है. एंड एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, यानी हर एक बच्चे का बचपन, उनका जो बालपन है वो भी मायने रखता है. इनका यहाँ पर उद्देश्य यही है कि बच्चे का बचपन ना छीना जाए. अगर उनको पूरा बचपन में ही उनको काम पर लगा दिया जाए तो ये तो उनका बचपन छीनने जैसा हो जाएगा. तो ये सब चीजें, जैसा समय हमारे लिए मायने रखता है, वैसे ही हर एक बच्चे के लिए उनका बचपन और उनका जो बालपन है वो मायने रखता है. देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन. यानी आई चैलेंज, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, हमारे अंदर निष्क्रियता उन बच्चों से निकालना चाहिए. देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन. पैसिविटी का मतलब निष्क्रियता, उनके अंदर से निकालेंगे, या जो गलत है भावनाएं वो निकालेंगे. आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर. ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं उनको आह्वान करता हूँ कि जो निष्क्रिय है, पैसिविटी यानी निष्क्रिय, जो सक्रिय तरफ से सोचते नहीं, या जो सक्रिय नहीं है, अच्छे तरीके से काम नहीं करते, उनके लिए. एंड आई चैलेंज द कल्चर, यहाँ की जो संस्कृति है उसको मैं चैलेंज करता हूँ. कौन सी संस्कृति?
लोगों ने संस्कृति बना दिया, साइलेंस एंड हिट्स कल्चर ऑफ पैसिविटी, यानी लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कोई भी गलत बात होती है सामने तो उसके तरफ देखते भी नहीं, गलत है तो भी चुपचाप रहेंगे, गलत को गलत बोलने की और सही को सही बोलने की, ये जो लोगों की पैसिविटी है, निष्क्रियता है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा मान के चल रहे हैं, मेरा क्या लेने देना उसे, तो ये तो होने दो, मेरे से तो नहीं हो रहा है। तो ये है पैसिविटी लोगों के अंदर की, और ये एक तरह से ये बढ़ते जा रहा है लोगों में, ये बहुत गलत बात होती है। हमको गलत के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब एकदम से निष्क्रिय तरीके से, किसी इसमें सहभागी नहीं होना, मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं इससे, न्यूट्रल, ना इधर भी नहीं उधर भी नहीं, हाथ नहीं और ना भी नहीं, चुप रहना, तो दैट इज न्यूट्रलिटी। तो लोग आज समाज में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जिनकी तादाद बढ़ रही है, इस वजह से ये सब गलत सलत काम होते जा रहे हैं, हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कैलाश सत्यार्थी जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये जो लोगों के अंदर ये भावनाएं बढ़ रही है, इसको हमको दूर करना पड़ेगा और लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसका साथ दे। तो इस तरह से ये हमको करना पड़ेगा। ये देखो इस तरह से ये यहाँ चित्र में देखो, इन्होंने ये जो कुपोषित बच्चे अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के, उनके लिए भी इन्होंने काम किया उधर, यहाँ पर देख रहे हैं, और तस्वीर में ये उनकी तस्वीर जो दिख रही है, ये भाषण देने के समय ये तस्वीर है। आगे देखेंगे। I call upon all the governments, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं देशों के सभी गवर्नमेंट्स को, सरकारों को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता, यानी आह्वान करना चाहता हूँ, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज और जो सरकार के अंदर में काम करती है ऐसी संस्थाएं, एजेंसीज यानी संस्थाएं, देन बिजनेसेस जो व्यापार है व्यवसाय है, फेथ लीडर्स यानी जो हमारे ऐसे नेता जो है जिनके अंदर ऐसी भावना है कि कुछ करे, ऐसे लीडर्स एंड वर्कर्स काम करने वाले लोग, समाज सेवी लोग, एंड टीचर्स एंड एनजीओस, टीचर शिक्षक एंड एनजीओ, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऐसे बहुत सारे एनजीओस है जो आज काम कर रहे हैं, एंड ईच वन ऑफ अस और हमारे में से हर एक, टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, हमको क्या करना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और जो बच्चा बच्चों के हिंसा होती या बच्चों के उनका जो उत्पीड़न होता है उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। उसमें सभी लोग आ गए, सभी लोग, संस्थाएं आ गई, सरकारें आ गई, एक शब्द आया है एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट का नहीं होता है मगर कोई संस्था चलाते हैं, जो स्वभावी संस्था होती है। आप देखेंगे अभी जैसे कि अपने स्कूलों में आते हैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन है ना, अंतरंग वगैरह वाले, तो इस तरह की जो संस्थाएं होती है वो सब काम कर रही है, और लोग भी आगे यहाँ पर हम में से सभी लोग उसमें जुड़ना चाहिए, और जो बच्चों के खिलाफ वायलेंस होता है उसको हमको दूर करना चाहिए। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब गुलामगिरी, गुलामी, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी यानी अवैध काम धंधे, गलत तरीके से किए हुए काम, अवैध धंधे, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, ये भी एक कुप्रथा है, चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज लैंगिक शोषण या लैंगिक अत्याचार, एंड लिटरेसी देयर थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, और इलिटरेसी यानी अशिक्षा, जो शिक्षा नहीं है, ऑल दिस थिंग्स हैव नो प्लेस इन, ऐसी चीजें कोई एक सुसंस्कृत और संस्कृत अच्छे सिविल सोसाइटी में इन चीज सब चीजों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें आ गई यहाँ पर देखेंगे, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चों की गुलामी, गुलामी, ट्रैफिकिंग, अवैध व्यापार, अवैध धंधा, काम धंधा,
बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार, ये सब चीजें, और बच्चों की यानी जो शिक्षा है जो नहीं होती है, ये सब चीजों के लिए ऐसे सिविल समाज में, एक अच्छे समाज में कोई स्थान नहीं है। मगर इसके उल्टा होता है, हम देखते हैं आजू बाजू में ये सब चीजें समाज में है, हर एक देश के समाज में मिलेंगे। तो यही एक वजह है कि अगर ये सब चीजें रहेगी तो आज के जो बच्चे हैं वो कैसे बड़े बनेंगे आगे, और वो भी तो यही सीखेंगे। फिर आगे देखेंगे, फ्रेंड्स वी कैन डू दिस, आगे बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स हम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड, आगे तो गवर्नमेंट देखो क्या किया, चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज यानी बच्चों को ध्यान रखते हुए ऐसे कानून पारित कर दिया, एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए पैसे गवर्नमेंट दे रही है, काम कर रही है। एंड सोशल बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा ये आगे पीछे हुआ था सॉरी, तो इसलिए वो बोल रहे थे ये पीछे वाले इसका था ये, किस पीपल के लिए आना चाहिए, मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जो काम करते हैं उत्तरदायी होने चाहिए उन्होंने, एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप। इनोवेटिव पार्टनरशिप का मतलब होता है बहुत ही नए नए आइडियाज, नए नए विचार समाज में लाना चाहिए। ये थोड़ी सी स्लाइड पीछे आई है, वो उधर की थी, ऐसा हमको काम करना है वो बोल रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टूगेदर टू एक्सिलरेट एक्शन, गवर्नमेंट की या सरकार की सब जो संस्थाएं है वो सब एक साथ आना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडास, फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन। इस तरह से सभी सरकार, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, सोसाइटी समाज में आगे आए, फ्रेगमेंटेड एजेंडास यानी फ्रेगमेंटेड का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ, अलग देशों का, अलग समाजों का, अलग घटकों का, अलग अलग जो एजेंडा होता है, उनके जो विचार होते हैं काम करने के लिए, उसको हमको एक साथ लाना पड़ेगा, ना कि अलग अलग करें। तो इस तरह से वो बताते हैं, आगे देखते हैं। वी मस्ट बी बोल्ड, हमको क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और धीट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें एम्बिशियस होना है, महत्वाकांक्षी होना है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेस, और sir, हमें अपने प्रॉमिसेस भी, यस सर, टाइम फिनिश हुआ, यस सर, ओके ओके, कुछ इसके लिए बच्चा नहीं, और थोड़ा सा बचाइए सर, ओके, फिर नेक्स्ट इज, और कितने स्लाइड बाकी देखते हैं, दो तीन पैराग्राफ लगेगा सर, 5-10 मिनट तो लगेगा, नहीं ज्यादा ही है सर, ज्यादा लगेगा समय, देखते हैं मैं सर को बोलता हूं कि एक्स्ट्रा लेक्चर आपका इसका भी अरेंज करने, हाँ बाद में फिर देखेंगे फिर, तो इसको तो हाँ बहुत घाई हो जाएगा, ओके सर ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसको और अरेंज करने बोलता हूं, बड़ा चैप्टर, हाँ सर बहुत बड़ा चैप्टर बच्चों को।